भारत देश की बात करें तो लगातार अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हमारे बीच में कांग्रेस सेवा दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है सुनील कुमार जी, इनसे बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। सुनील जी, आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो देश की दुर्दशा बिगड़ रही है वो हमारी अर्थव्यवस्था के कारण ही है जी। आज हमारा जो रुपया है वो इतना गिर चुका है डॉलर के मुकाबले, डॉलर 80 रुपये पार कर चुका है। जहाँ कांग्रेस के टाइम पे एक डॉलर की कीमत 60 रुपये से भी लगभग आसपास थी, 60 रुपये की, आज 80 रुपये पार कर चुका है। और फिर भी जो देश की सरकार है वो ये कह रही है कि अमृत काल है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये कैसा अमृत महोत्सव है जिसके अंदर हम फंसते जा रहे हैं और हमारे जो युवा हैं, जो हमारे लोग हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, युवा जो हैं वो परेशान हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं हैं, तो कैसा अमृत महोत्सव है ये? लेकिन सुनील जी, अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो आपको नहीं लगता कि ये नवनिर्माण हो रहा है भारत का? हाँ, नवनिर्माण हो रहा है। किस तरह का नवनिर्माण हो रहा है भारत का? भारत के लोगों का खून चूस करके नवनिर्माण किया जा रहा है? क्या नवनिर्माण हो रहा है बताइए आप? ऐसा क्या काम हुआ है जिससे कि इस देश के अंदर देश के लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, उनसे हर तरह से लूटबाजी जो की जा रही है, उनके साथ में झूठ बोलकर छलावा कर करके जो ये लोग सरकार में आ रहे हैं जगह जगह पर और एक भी काम पूरा नहीं करते, तो यही नवनिर्माण है? आपको नहीं लगता कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है? कौन से देश में ऐसा डंका बज रहा है आपका? आप जाकर के देखो, ये खाली दिखावा करने वाली बात है। जो ये यहाँ आकर के बता देते हैं हम लोग उसे सच मानते हैं। आज मीडिया इनके फेवर में है, मीडिया जो है जो भी है केवल झूठ दिखा रही है और उस झूठ के बल पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। असलियत तो वहाँ जाकर के देखो, कुछ वीडियो वायरल में कांग्रेस पार्टी क्यों चुप बैठी है, क्यों नहीं सड़कों पर निकल के आ रही? इतने मुद्दे बाजार के अंदर है, क्यों कांग्रेस कांग्रेस थक तो नहीं गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। आज भी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में सीएम के घर का घेराव किया गया है, ताकि जो अभी इसने बिजली के ऊपर रेट बढ़ाए हैं, बिजली की जो मार लोगों को कहीं फ्री की झूठ बोले जा रहे हैं कि हम तुम्हें फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और आज बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो लोगों की कमर तोड़ महंगाई बिजली के ऊपर की गई है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने सीएम का घर का घेराव किया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात करें अनिल चौधरी जी, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बजाय कार्यकर्ता टूट टूट करके दूसरी अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कार्यकर्ता अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। जिन लोगों की मानसिकता केवल और केवल राज और खाली दलाली करने की है, वो लोग इधर उधर भागते हैं। अन्यथा जो कांग्रेसी है, जिसने कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के राज को देखा है, कांग्रेस के कार्य को देखा है, वो कांग्रेस से कभी अलग नहीं हो सकता। कांग्रेस का अगर कार्य देखा होता तो राजेंद्र नगर उपचुनाव नहीं हारते, इतनी बुरी करारी हार। देखिए, उपचुनाव आज अभी तक क्या है, जनता को जो झूठे वादे दे करके, झूठे बहकावे में ला करके जो जनता को इन्होंने जो ये लोग छल रहे हैं, ये उसका कारण है। लेकिन जनता अब इतना अंधेर गर्दी वाला टाइम नहीं है, जनता भी अब जग रही है और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे किस तरह से इनका पर्दाफाश होता जा रहा है। मगर राजेंद्र नगर की जनता अभी शायद जागी नहीं थी। राजेंद्र नगर में की बात करें तो कुछ माहौल इस तरह का था कि जो ये फ्री बिजली पानी अभी अभी भी फ्री बिजली पानी का तो जादू चढ़ रहा है। फ्री बिजली पानी का जादू तो उतर गया ना, बिजली के रेट कहां से कहां कर दिए हैं। आपका बिल नहीं आता, आप बताइए, आपका भी तो घर है, आपके घर पे बिजली नहीं आ रहा, तो आप फिर आपका फ्री क्यों नहीं है? तो ये फ्री व्री कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। शीला जी के टाइम में भी झुग्गियों के अंदर वही 200-300 रुपए का बिल लिया जाता था और आज भी वही चीज है, बस ये फ्री का नाम दे दिया इन्होंने, झूठ बोलना चालू किया। कांग्रेस की जो नेता है वो झूठ नहीं बोल सकते। कांग्रेस का खोया हुआ वोटर वापसी क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस के पास में? देखिए, ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो बहकावा है, जो झूठ है, उससे पर्दा उठ रहा है और धीरे धीरे लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और अब जनता जगने लग रही है। जनता जाग चुकी भी है और अब इनको आने वाले दो राज्यों में पता चल जाएगा कि किस तरह से झूठ बोल करके काम ना करने का नतीजा क्या है। वहीं सुनील जी, श्रावण मास चल रहा है, क्या शिव भक्तों को क्या बधाई? देखिए, मेरी तरफ से, मेरे कांग्रेस परिवार की ओर से, कांग्रेस सेवा दल की ओर से, मैं सभी शिव भक्तों को, सभी देशवासियों को शिवरात्रि की बधाई एडवांस में ही देता हूं और सभी कांवड़िया भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ लाएँ और अपना जो धर्म, अपना जो ये त्यौहार है, इस त्यौहार को शांति से मनाएँ, यही मेरी शुभकामना। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेस सेवा दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि कांग्रेस के प्रति जो खोया हुआ वोटर है वो धीरे धीरे वापसी तो कर रहा है मगर टाइम लगेगा।
कितना टाइम लगेगा वो समय ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।